हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं तेजस साबले और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर यू। आज के वीडियो में हम देखने वाले टिकटॉक जो बैन हुआ था इंडिया में, वो वापस आ सकता है या नहीं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आप टिकटॉक के एक लवर हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करें। तो टिकटॉक जो इंडिया में हुआ था बैन, वो अब 22 तारीख को आ सकता है वापस। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है, क्योंकि इंडिया ने टिकटॉक और उसकी तरह 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को एक शक हुआ था कि ये 59 चाइनीज ऐप इंडियन पीपल्स का डाटा लीक करती थी और वो चाइनीज गवर्नमेंट को देती थी। पर ये सब होने के बाद जो इन 59 ऐप्स के ओनर है, वो भारत गवर्नमेंट सरकार के पास गई और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते और ना ही हम आपका डाटा किसी भी देश को देते हैं। ये सब होने के बाद इस पर इंडिया की MEIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन सब 59 एप्लीकेशंस के ओनर को एक नोटिस दी और उस नोटिस में उन्होंने 79 क्वेश्चंस पूछे। अगर ये 59 एप्लीकेशंस के ओनर इन सभी सवालों के जवाब दे पाते हैं तो टिकटॉक और बाकी सब एप्लीकेशंस भारत में चालू हो सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।